कितनी हसीन ये जिंदगी है। तू तैयार होकर आया ना दो के बढ़िया, मैं आ रहा हूँ अभी। अच्छा गला तो गला सबका ऐसा खरखर 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 लगता है। हुआ क्या रे? थोड़ा सा बच गया है, ले फटफट कर देना इसको। हाँ है। अरे सर जरा जम के खींच, वहीं घुसोड़ 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 करते रहता है। और सुन तो, हाँ सुन इधर सुन, हाँ अरे आज शाम को भंडारा है, हाँ तो तू जाके वो पंडाल में अनाउंसमेंट कर देना यार। अच्छा हाँ कर देता हूँ, फिर टाइम मिला नहीं मिला, हाँ साल भंडारा है ना। हाँ हाँ मैं आता हूँ अभी। हाँ एक काम करना, तू ही कर लेना। तो क्या? अरे मेरे को इधर दुनिया भर के काम पड़े हैं। हाँ चल ठीक है, मैं आता हूँ अनाउंसमेंट करके। आज भंडारा है, विशाल भंडारा। अरे कहाँ जा रहा है बाबे? अरे वो विशाल भंडारा है ना शाम को। अच्छा तो उसका अनाउंसमेंट कर देता हूँ ना, है कि नहीं? अरे 2 दिन से तो वहाँ एम्पली खराब है, तो सबरे माइक बंद है। इतना अच्छा कार्यक्रम करवाने वाले थे लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। oh, no. यार फिर भैया चिल्लाएगा बे कि अनाउंसमेंट नहीं किया। इसको तरकीब सोचना पड़ेगा बाबिया। चल बे सोच लिया। हाँ अरे माइक भी मिल गया, क्या दिक्कत। हाँ यहाँ चढ़ता हूँ, यहाँ बढ़िया हो जाएगा अपना अनाउंसमेंट, है ना। अबे चलते तो। ओह नो। ये बढ़िया। अच्छा हेलो हेलो, सभी गांव वाले सुन पा रहे हैं? समस्त ग्राम वासियों को सूचित किया जाता है, वार्ड क्रमांक 3 में विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जिसमें आपको रसगुल्ला, इमरती, बालूशाही, केला, सेब, अंगूर ये कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पुलाव मिलेगा। आके जावे भाई हो। चल रहे भैया आप, जाऊंगा रे। oh, no. हो गया रे। चल अब जाता हूँ। हो गया क्या रे? हाँ ये क्या है बे? माइक है का? अबे तेरे को वो माइक में बोलने बोला था कि इसमें पे? अरे मिक्सर खराब है ना था, इसलिए मैंने ना कोटवार काका से मंग के ला लिया ये माइक। बड़ा अच्छा गायब है गोविंद भैया। अबे तो कितने लोगों ने सुने होंगे इसमें भाई? अरे पूरे गांव ने सुन लिया होगा। तू थोड़ी देर में जाके वहीं अनाउंस करना। पागल कहीं का, कुछ का कुछ ही करते रहता है। लेगा कर दे, ये उसको दे दे काका को। पागल कहीं का कोई काम नहीं करो। क्या बास मार रहा है बाबिया, जैसे महक आ रही। अरे बाबिया इधर आ बे, इधर आ। कहाँ जा रहा है? पंडाल का। अच्छा वो सब छोड़, मैंने एक मस्त प्लान बनाया हूँ बे। कौन सा प्लान? का रामलीला का। अच्छा उसपे तो मनमानी आदमी लगते हैं का। वो सब छोड़, वो मेरे ऊपर छोड़ दे तू, सब हो जाएगा। हाँ। भैया कहाँ है? भैया फिर भी तो 3 लोग हो रहे ना का। अरे यार भैया से पूछते ना कैसे क्या करना है तू। हाँ हाँ ये बताएगा, उसके पास भी बहुत मेरे क्या है, बहुत दिन से मेरे दिमाग में बात आ रही थी, रामलीला करते हैं अपन। हाँ हाँ अच्छा है ना। हाँ भैया कहाँ है जल्दी बता, उसके पास जाएंगे। हाँ चलना तो चल चल। इधर है ये क्या? हाँ तू उधर काहे के लिए जा रहा था? पंडाल का। पंडाल वंडाल छोड़, अभी अपने पास बहुत काम है, बहुत सारी तैयारी करना है अपने। चल समझ रहा है ना। हाँ लौंग लाइची बादाम क्यों नहीं लिखे थे, समझ में नहीं आता। ज्यादा अधूरा ही सामान लिखे। भैया यार तू मिल गया? पंडाल तरफ भेजा था ना। अरे ये मिल गया था। अरे सुन तो, पंडाल पंडाल की कहानी बाद में है ना, ये होगा। और मेरे दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया है, अपन करेंगे रामलीला। अबे उसमें बहुत आदमी लगते में, इतने से में कुछ नहीं होता। तो तू है ना, तू ही सोच कुछ। तू है ना बड़ा घर का है, तू ही इसका नांगर निकाल। क्या नांगर? नांगर नहीं है बे, हल निकाल, हल। अरे वही तो, नांगर को हल ही तो कहते हैं। नहीं नहीं, सही बात सही है उसकी, पर बेटा दोनों में जिंदगी में पहली बार ऐसा समस्या का हल कहते हैं, समाधान कहते हैं, ये नांगर कहता है। अरे तो दोनों को सेम ही तो कहते हैं, नांगर कहो या हल कहो। वो सब छोड़, तू कुछ सोचगा, कुछ अच्छा सा सोचगा। अरे पर यार बड़ी तकलीफ वाली बात है ना यार। वही तो, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तेरे ऊपर विश्वास है। अच्छा कि आगे का जो भी है वो सिर्फ तू कर सकता है। बस देख, रामलीला के लिए कम से कम भी 20-25 आदमी लगेंगे अपन। और अपन है 3 नए बाबू है, तेरी भाभी है, हाँ है ना, लोग लाइची। अरे उसको छोड़, अभी इनने नई टेंशन लाके दे दिया। टेंशन नहीं है, अच्छी बात है। धीरे बोल रामलीला के बारे में, नहीं तो मोहल्ले वाले सुनेंगे तो कहेंगे हमको भी भर्ती कर लेना कहेंगे। होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ अपन ये सब बातें नहीं करते, आड़ में चलते हैं, कहीं खुली जगह, एकांत जगह जहाँ अपन तीनों के अलावा कोई ना हो। क्यों रे? और तू ठोकना जैसे किसी को भी मत बता देना। नहीं बता रहा हूँ ना। हाँ यहाँ चलते हैं, तेरी भाभी को भी मत बताया अभी। चुपचाप चलना तू। ले सोचा क्या गा? ले सोच मेरे लिए भी सोच। अबे एक ही चीज हो सकती है। क्या? हम सबको डबल रोल करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो इमरान हाशमी की वो उसके जैसे ना, जुड़वा फिल्म जैसे। साले पागल बंदर, जुड़वा में ऋतिक रोशन था। अबे वो गजनी नहीं देखा क्या शाहरुख खान की? वैसा बे ये गजनी तो इसने देखा नहीं है। उसमें अमरीश पुरी था। नहीं, जॉन इब्राहिम था। अरे वो सब छोड़ो यार, जिस चीज नहीं गा। हाँ क्या बोल रहा था, बता बता। काम की बात करो। अबे पहले समझो उस चीज को, हमको कैसे करना है, क्या करना है, उस पे विचार। मेरे लिए सुनगा, मेरे लिए अच्छा ही रोल सोचना है ना, नहीं तो हमेशा मेरे को बंदर वाला रोल देते हो। इसको बंदर जैसा, उसका चेहरा बंदर जैसे, मतलब कुछ अच्छा सोचना इस बार उसके लिए। पर देखगा, मैं तो राम ही बनूंगा, और मेरे को राम ही बनाना बस। अच्छा भैया बड़ा है घर का, तो इसको बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, राम के लिए चेहरा भी तो देख, चेहरा भी तो होना वैसा। क्यों भैया? हाँ भाई, मैं नहीं बनता राम, मैं तो ना 14 साल वनवास ही काटना पड़ेगा। ये बात सुनना का, सीता जी की तो टेंशन ही खत्म हो गई, अपने यहाँ की भाभी बन जाएगी। नहीं भाई, वो बेजा काली है, थोड़ी अच्छी वाली लड़की देखेंगे, सुंदर वाली का। सब किरदार तो हो गए, राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, हनुमान जी हो गए, सीता जी हो गई। अच्छा अब बचा एक किरदार, और वो है मेन, जिसको जलाना है। कौन है? रावण बे। अरे रावण, ये किसको दे यार? उधर देख का, किधर? इधर देख, काट भी वैसा ही है। इधर देख का, बिल्कुल ये मिल गए। हाँ कहाँ बे? मिल गए अपने हाथ बाबू बाबू। अबे रावण कैसा था मालूम है क्या? ना बे, मोटा कट्टा तगड़ा और अकड़ के चले। अब बाबू थोड़ा हिचकता है ना यार, वो हिचकता है पूरी, पर अकड़ तो वैसी है रावण जैसे। अरे पर अकड़ नहीं, चाल भी तो देखी जाएगी। वो कब पहुंचेगा रणभूमि में? परसों, जैसे आज हुई तो। हाँ ये भी बात सही है, कि किसको बनाएंगे? एक काम कर, तू बन जाएगा, तू बन जा। बिल्कुल वैसा ही दिखता है तू, रावण जैसे। नहीं भाई, तुम जाला डालोगे। अरे दाढ़ी भी वैसी चाहिए। मैं तेरे को ना अग्नि बाण नहीं मारूंगा, तू बन जा। हाँ भाई, मेकअप का सामान भी कम लगेगा। हाँ, ये बोला, ये बोला। और वो नकली वाली दाढ़ी भी लगाना नहीं पड़ेगा। हैं 24 कैरेट चलो। और मुँह छोटी है तो इधर ऐट में लूंगा ना, रावण। ओह नो, अब सब हो गए, अब बचा एक किरदार, कृष्ण भगवान। हाँ कृष्ण। अरे कृष्ण भगवान यहाँ कहाँ आ जाएंगे भाई? ये रामायण है भाई, रामलीला भाई, भगवान है, कहीं भी आ जा सकते हैं। अरे रहन दे मेरे बाप, वो कृष्ण भगवान को गोपियों के साथ रहने दे तो अच्छा है। बात तो सही है। मेरे पते में और एक है, बहुत बढ़िया एक्टर है वो, बहुत शानदार एक्टर है, गणेश भगवान। सीधे ये बड़ा पेट है, रामलीला खत्म हो जाएगी पर उसका खा के नहीं होने का। हाँ बेजा खाते हैं गणेश भगवान जी। हाँ मेरे पते में एक आदमी, अच्छा उसको बुला लेते हैं, सारा खेल 10 मिनट में समा। कौन है जल्दी बता, टाइम करेगा इसी बात बता। वही मेन कैरेक्टर है, क्यों सबसे मेन कैरेक्टर। बात तेरे को मालूम नहीं है, सुन ले। गणेश भगवान के बाबूजी शंकर भगवान। अब तो यहाँ का तांडव करवाएगा क्या? वही तो करवाना है। क्यों रे बाबिया, अबे भोसड़ी के यहाँ रामलीला करोगे क्या? तांडव कराओगे? तांडव कराएंगे तो सबका नाश कर दिए।